गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 को जानेंगे। तो पढ़ाने से पहले आइए इस पोयम के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। यह कविता कवि के जीवन की निराशा एवं असफलता को दर्शाती है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि वह जीवन की अंतिम सीढ़ी पर है। वह महसूस कर रहे हैं कि मृत्यु उनके समीप आ रही है। यह कविता कवि के जीवन की निराशा एवं असफलता को दर्शाती है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि वह जीवन की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हैं। वह महसूस कर रहे हैं कि मृत्यु उनके समीप आ रही है। वे पश्चाताप कर रहे हैं कि उनके जीवन की खुशियां लौट कर वापस नहीं आएंगी। कवि को लगता है कि वह अब मरने वाले हैं और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस पोयम को लिखने के एक वर्ष बाद ही कवि की मृत्यु भी हो गई। तो आइए इस कविता के हिंदी अर्थ को पोयम के माध्यम से समझते हैं। इस पोयम का टाइटल है ए लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप या महान दुख, जिसे कंपोज किए हैं पीबी शैली। कवि कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हूज, जिनकी लास्ट स्टेप्स, अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम, मैं चढ़ा हूँ, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूँ, ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा था, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले खड़ा था वहां मैं अब ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रहा हूं। When will return, कब वापस आएगी, the glory of your prime, prime का मतलब होता है युवा अवस्था, तुम्हारी युवा अवस्था का वैभव कब वापस आएगी, या फिर तुम्हारी युवा अवस्था का वैभव कब लौटेगा, नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। आगे कभी लिखता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से अ जॉय, एक खुशी हैज टेकन फ्लाइट, उड़कर जा चुकी है, दिन और रात में से निकलकर एक खुशी उड़कर जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु की ताजगी, एंड समर और गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर और जाड़े का होर मतलब तुषार, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीप, मूव मतलब सिहरन पैदा करता है या हलचल पैदा करता है, माई फेंट हार्ट, मेरे दुर्बल हृदय को, विथ ग्रीप मतलब दुख के साथ, बट विथ डिलाइट नो मोर, लेकिन प्रसन्नता के साथ नहीं। अर्थात बसंत ऋतु की ताजगी, गर्मी का मौसम और जाड़े का तुषार मेरे दुर्बल हृदय को दुख के साथ सिहराती है, किंतु प्रसन्नता से नहीं सिहराती है। ओ नेवर मोर, ओ बिल्कुल नहीं।